आप देख रहे हैं के चैनल। आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं आज की सुर्खियां। फर्जी डिग्री मामले में एक और गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं होने देंगे देवभूमि को बदनाम। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश गंभीर, लेकिन विपक्ष ना करे जनता को भ्रमित, कहा मुख्यमंत्री ने। चंबा में हुई बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, घायलों के उचित उपचार के जारी किए निर्देश। और वेस्टर्न डिस्टर्ब के चलते 13 मार्च तक मौसम खराब रहने का अलर्ट हुआ जारी। सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री के मामले में एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। इस मामले में विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गंभीरता की वजह से एसपी सोलन अभिषेक यादव ने खुद ही कमान संभाल रखी है। उन्होंने मामले संबंधी अधिक जानकारी भी उपलब्ध करवाई। फेक डिग्री देने के संबंध में और हमने मानव भारती यूनिवर्सिटी में रेड की और उनका जो एडमिन ब्लॉक है उसको हमने सील किया और जो भी वहाँ पर रिकॉर्ड मिले हैं, जो भी कागजात मिले हैं, उनकी हमने जांच की और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया जा रहा है कि मानव भारती ने डिग्रियों से संबंधित और भी जो उनका रिकॉर्ड है उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई हैं और ये देखा गया है कि कई लोगों को जिनको डिग्रीज दी गई हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं यूनिवर्सिटी के पास। ऐसा भी सामने आया है कि कई अनचेक्ड आंसर शीट्स पे भी डिग्रीज वगैरह बनाई गई हैं। ये भी देखने में आया है कि कई आंसर शीट्स में मार्क्स दिए गए हैं लेकिन जब हमने चेक किया तो ऐसा पाया गया कि आंसर शीट के अंदर कोई आंसर्स ही नहीं लिखे हैं और भी कई तरह की डिस्क्रिपेंसी सामने आई हैं। तो इस संदर्भ में जांच चल रही है, हमने इसी इन्वेस्टिगेशन के फॉलोअप में 2 FIR और दर्ज किए हैं और इसमें फ़िलहाल एक गिरफ्तारी भी हुई है और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है ये एडमिन ब्लॉक में डे टू डे अफेयर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। स्टोर रूम में काफ़ी सारी मार्कशीट्स मिली हैं, काफ़ी सारी डिग्रीज मिली हैं तो उनकी जांच चल रही है कि ये डिग्रीज जिनको अलॉट की गई हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड भी थे कि नहीं थे और ये डिग्रीज जेन्युइन है कि फेक हैं, इनकी भी जांच चल रही है। वहीं फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने मानव भारती विश्वविद्यालय के एक और कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रमोद निवासी करनाल के रूप में हुई है। आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अब तक 5 लाख फर्जी डिग्रियां बांटने का खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय ने अरबों रुपए का घोटाला किया है और विश्वविद्यालय के मालिक फरार हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि फर्जी डिग्री का खेल आज से नहीं बल्कि पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है। सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। देवभूमि को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। सरकार देवभूमि को बदनाम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी। 2009 से जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश हुई है, कुछ ने उसके बाद ये धंधा शुरू किया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लाना एक वक्त आवश्यकता अनुभव हुई होगी लेकिन उनको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि ऐसा धंधा यहाँ पर ना चले, ये कमियां रही है। और हमारी सरकार ने जैसे ये विषय ध्यान में आया है, 2017 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, उनकी ही गवर्नमेंट के दौरान कंप्लेंट्स आई, उनने क्या कार्रवाई की? उनने तो कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तो अब हुई है, हमने रेड किया है, बंद किया है, उनके सीज कर दिए सारे कॉम्प्लेक्स को और उसके बाद जो है गिरफ्तारियां उसमें हुई है और इसमें कोई नहीं बचने वाला, जो होंगे। ये धंधा वर्षों से चल रहा था, ये धंधे जो कांग्रेस के जमाने में वर्षों से पनपते रहे उनके जमाने में शुरू हुए थे, इनको तमाम को बंद करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में होली के दिन बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में चंडीगढ़ से आ रही बस गहरी खाई में गिर गई। हादसा मंगलवार सुबह हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 41 लोग सवार थे। करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया और 2 गंभीर रूप से घायल मरीजों को टाटा रेफर कर दिया गया है। सेम पर
उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार HRTC की बस देहरादून से चंडीगढ़ होते हुए चंबा आ रही थी। बस चंबा पठानकोट मार्ग पर कांगू के चहेली के पास हादसे का शिकार हो गई। चंबा से घटनास्थल करीब 25 किलोमीटर दूर है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत खाई में उतर गए व राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। कई लोग चंडीगढ़ से अपने घर होली मनाने आ रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक दुखद घटना हुई है कि HRTC के एक बस का एक्सीडेंट हुआ है चंबा में, जिसमें कुछ लोगों का निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है। मैं सभी परिवार वासियों को जो भी जो उनके परिवार से संबंधित हैं उनको इस दुख की घड़ी में संवेदना प्रकट करता हूँ उनके प्रति, और ईश्वर उनको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। इसलिए आज हमने होली के इस त्यौहार को बहुत साधारण और सरल तरीके से रखा है। डिप्टी कमिश्नर को, SP को मौके पर भेज दिया था, वहाँ के स्थानीय विधायक भी मौके पर सुबह ही उनको भेज दिया था, वो वहीं पर ही है। और उनमें से एक को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए शिफ्ट किया गया है, जो उनको गंभीर चोटें ज़्यादा हैं, चोटें लगी हुई, और बाकियों का इलाज वहीं चंबा में मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में पुलिस ने 3 लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5.39 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा दुमखड़ के पास लगाए गए नाके के दौरान एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। आरोपी कार के डैशबोर्ड में चिट्टा छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेहताबपुर में गश्त के दौरान तलाशी लेने पर पुलिस ने एक आरोपी से 2.45 ग्राम हीरोइन बरामद की है। हरोली के भादड़ी में भी पुलिस ने चिट्टे के नशे में धुत एक युवक को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और प्रदेश की जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर विपक्ष प्रदेश भर की जनता को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने विपक्ष को प्रदेश का माहौल खराब न करने की नसीहत भी दी है। कोरोना वायरस के बारे में बहुत शोर डाला था, बहुत ज्यादा शोर डाला था, और विपक्ष ने तो इस प्रकार का एक माहौल खड़ा कर दिया कि अब हिमाचल में कोरोना आ गया, और उन्होंने तय कर दिया कि कोरोना आ ही गया। आखिरकार हमने उनको कहा था हाउस के अंदर भी कि रुकिए, इस तरह का माहौल खराब मत करिए, एक पैनिक का एक इस तरह का माहौल जो है वो ठीक नहीं होता समाज के बीच में। लेकिन फिर भी सरकार गंभीर है, सचेत है सारी व्यवस्थाओं के बारे में, जो उस कोरोना वायरस के बारे में जो हमने जो एडवाइजरी जारी की है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। एक ओर कोरोना वायरस का खौफ तो दूसरी तरफ होली का त्योहार, ऐसे में अपनी परंपरा भी कायम रखनी है और सावधानी भी बरतनी है। सोलन के कोटला नाल स्थित शिव मंदिर में स्थानीय महिलाओं ने फूलों के साथ होली खेल इस रंगों के त्योहार को कुछ खास बनाया। सोलन में दर्जनों महिलाओं ने एक साथ फूलों की निराली होली खेली। A
आज यहाँ पर कोटला नाला में शिव मंदिर में यहाँ की बहनों ने जो है बहुत धूमधाम से होली मनाई है, कान्हा के साथ और हम सभी के साथ फूलों की और रंगों की होली मनाई है। और यहाँ पर बहनों में काफ़ी उत्साह है, पहले भी ये लोग करते रहे लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कान्हा को भी बिठाया है, कान्हा को भी रंग लगाया है और बहुत खुशी से, बहुत धूमधाम से इन लोगों ने यहाँ पर होली का पर्व जो है बड़ी खुशी से मनाया है सभी बहनों ने मिलकर। दुनिया में बहुत जो रोग फैला हुआ है इससे काफ़ी परेशानी है, फिर भी अपने मतलब अपनी संस्कृति के मुताबिक थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। इस करके जो है मतलब यहाँ कोटला नाला मंदिर में हमेशा ये बच्चे जो है बहुत अच्छे से मनाते हैं हर चीज़, हर त्यौहार को। इसी प्रकार होली भी अच्छी प्रकार से मनाई है। आज हमारे शिव मंदिर कोटला नाला में हमने प्रभु को, कान्हा जी को होली के रंगों से रंग डाला। साथ में हमने आजकल जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, उसका ध्यान रखते हुए हमने फूलों और सूखे रंग से होली खेली। हर साल हम प्रभु के यहाँ होली मनाते हैं। राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड गायिका ममता शर्मा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। ममता शर्मा के गानों का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वही नाटी किंग कुलदीप शर्मा के गानों पर भी दर्शकों ने खूब मजा लिया। अंतिम संध्या के दौरान दर्शक होली मेले में रंगते हुए भी नजर आए। राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर का समापन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वन परिवहन एवं युवा सेवा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिरकत की। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंगलवार को सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के जिंजैला में लगभग 29 करोड़ की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया, जिसमें रोपड़ी, चौका, फरसादा हावनी, जिंजैला पंचायतों के निवासी भी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश भर में 3,50,00,000 रुपए से भी ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हर घर नल से जल मुहिम सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट को समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, उन्हें स्वरोजगार अपनाने के प्रति प्रेरित करने व उनके कौशल विकास के लिए प्रभावशाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाएं। बल उपमंडल के तहत दो पटवार सर्कल में अंशकालीन श्रमिकों के पद भरे जाने हैं। ये जानकारी देते हुए SDM बल डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि इच्छुक व पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन सादे कागज पर संबंधित दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सहित 20 मार्च 2020 शाम 5 बजे से पहले उपमंडल अधिकारी बल के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक संबंधी पटवार सर्कल के तहत स्थायी निवासी होना चाहिए। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास अनिवार्य है। 1 जनवरी 2020 को आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। चयनित उम्मीदवारों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। पटवार सर्कल भगरोटू के लिए किए गए आवेदनों व दस्तावेजों के लिए जांच 24 मार्च जबकि पटवार सर्कल डडोह के लिए 25 मार्च सुबह 11 बजे SDM कार्यालय बल में होगी। आवेदक को अपने दस्तावेजों सहित SDM कार्यालय बल में उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदक दी गई तिथियों को उपस्थित नहीं होगा, उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी सदर द्वारा तकनीकी सहायकों के दो पदों को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। ये जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी सदर अजय यादव ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बहु तकनीकी महाविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए।
आवेदक को कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है। आवेदन पत्र 21 मार्च 2020 को शाम 5 बजे तक खंड विकास अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी के साथ मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 से लेकर 13 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में 15 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। तापमान कम होने से प्रदेश भर में शीतलहर बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 मार्च को धर्मशाला में भारत व दक्षिणी अफ्रीका के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम की बेरुखी के चलते क्रिकेट प्रेमियों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीआरओ ने रोहतांग से बर्फ हटाने का काम शुरू किया हुआ है, जबकि दोबारा बर्फबारी हुई तो अभियान को बीच में ही रोका जा सकता है। इसी तरह हाईवे 305 पर भी बर्फ हटाने का काम बाधित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी रोहतांग बारालाचा में जमकर बर्फबारी होने से बीआरओ की टीमों को काम बीच में ही रोकना पड़ा था और नए सिरे से बर्फ हटानी पड़ी थी। आशा है कि अब फिर से दिक्कत खड़ी हो सकती है। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फर्जी डिग्री मामले में एक और गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं होने देंगे देवभूमि को बदनाम। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश गंभीर, लेकिन विपक्ष न करे जनता को समेत, कहा मुख्यमंत्री ने। चंबा में हुई बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। घायलों के उचित उपचार के जारी किए निर्देश। और वेस्टर्न डिस्टर्ब के चलते 13 मार्च तक मौसम खराब रहने का अलर्ट हुआ जारी।